WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, इसका काम है कैंसर पर रिसर्च करना। इसने एक खरपतवार नाशी यानी कि हर्बिसाइड को कैंसर फैलाने वाला बताया है। इस हर्बिसाइड का नाम है ग्लाइफोसेट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हर्बिसाइड होता क्या है। देखिए, कई बार फसलों के आसपास कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। ये पौधे फसलों के विकास में रुकावट पैदा करते हैं, उनका पानी सोख लेते हैं, नतीजा फसलों को नुकसान। इन्हीं पौधों को ख़त्म करने के लिए ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल होता है। छिड़कने के दौरान कई बार ग्लाइफोसेट फसलों पर भी पड़ता है। फिर जब ये फसल हम तक पहुँचती है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लाइफोसेट हमारे शरीर के संपर्क में आता है। नतीजा स्किन, नाक, गले में जलन होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, पेट से जुड़ी गंभीर दिक्कतें होने लगती हैं, और सबसे ख़तरनाक, ग्लाइफोसेट से कैंसर का खतरा होता है। अब सोचिए ये कितना ख़तरनाक है। सेहत के इस एपिसोड में हम ग्लाइफोसेट पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि ग्लाइफोसेट क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हमारे शरीर में कैसे पहुँचता है, और इसकी एंट्री के बाद हमें क्या लक्षण महसूस होते हैं। साथ ही जानेंगे इससे बचाव के तरीके। सुनिए। ये एक तरीके का हर्बिसाइड है, यानी कि जो प्लांट को प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, उसको किल करता है। और इसके कुछ सॉल्ट जैसे कि सोडियम सॉल्ट जो है वो आपके कुछ क्रॉप्स को राइपन करने में मदद करता है। ये नॉर्मली प्लांट की ब्रॉड लीव्स और ग्रासेस की ब्रॉड लीव्स पे अप्लाई किया जाता है, ताकि एक प्रोटीन पाथवे जो कि शिमिक एसिड पाथवे है, जो कि प्रोटीन प्रोड्यूसिंग पाथवे है, जो कि इम्पॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, ये हर्बिसाइड उस प्रोटीन पाथवे को रोकता है, जिससे ये प्रोटीन बन नहीं पाता और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती। एंड दैट इज़ वाई ये जो है ये प्लांट की प्लांट को, अदर प्लांट्स को, अनवांटेड प्लांट्स को किल करता है। ये कई तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। नॉर्मली इसका उपयोग जो है वो वीट, ओट्स, सोए, कॉर्न की राइटनिंग में यूज़ होता है। और 2015 में WHO ने इसको कार्सिनोजेनिक घोषित किया। ये हमारे शरीर में कई तरीके से जा सकता है। हम सांस लेते हैं उससे भी जा सकता है, टच यानी कि स्किन और आईज के थ्रू भी हमारी शरीर में प्रवेश कर सकता है। उसके साथ साथ अगर पत्ती पे इसका स्प्रे किया गया है और अगर हम उस पत्ती को टच कर रहे हैं जब तक कि वो सूखा नहीं है स्प्रे, तो उससे भी हमारे शरीर में ये प्रवेश कर सकता है। नॉर्मली स्किन और आई में इरिटेशन होना, नोज और थ्रोट में इरिटेशन होना, थूक यानी कि सलाइवा का ज़्यादा प्रोड्यूस होना, और अगर इसका अनइंटेंशनल इंजेशन हो तो उससे माउथ और थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन होना, और इसके साथ साथ इसके रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में तकलीफ तक की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा ये हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी पाचन शक्ति पे इम्पैक्ट करता है, उसका असर होता है, उससे हमें उल्टियाँ, दस्त, इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना पॉसिबल हो हम अपनी प्रोड्यूस या अपनी क्रॉप में इन वीड हर्बिसाइड्स, वीड्स को हटाने के लिए हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें, और अगर करें भी तो उसके लेबल्स को चेक करें, ताकि ग्लाइसोफेट की जितनी मात्रा, जितना ग्लाइसोफेट फ्री हम वीड हर्बिसाइड्स यूज़ कर सकें, और उसकी मात्रा जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू गवर्नमेंट ने जितनी प्रिस्क्राइब की है उससे कम मात्रा में हो। इसके अलावा जितना हो सके आप ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल करें, वो इसके लिए फायदेमंद देखा गया है। देखिए, भारत में ग्लाइफोसेट बैन नहीं है, इसलिए सावधानी हमें ही बरतनी होगी। आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फूड लेबल ज़रूर देखें। आमतौर पर जिन फसलों पर ग्लाइफोसेट नहीं पड़ा होता है उनके प्रोडक्ट्स पर ये बात लिखी होती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। भारत में मिलने वाली हैं ऐसी आई ड्रॉप्स
जो चश्मे से छुटकारा दिला सकती हैं, ऐसा इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है। पर क्या ये वाकई काम करेंगी, जानते हैं डॉक्टर्स से। अक्सर उम्र के साथ पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है, इस कंडीशन को प्रेसबायोपिया कहते हैं। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पास की चीज़ों पर फोकस करने वाली आंखों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे पास की चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। ये कंडीशन कुछ लोगों में 40 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है और 55-60 साल तक बढ़ती रहती है। ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। इनमें एक बहुत बड़ी संख्या हम भारतीयों की भी है। प्रेसबायोपिया के इलाज की बात करें तो इसके 3 तरीके हैं। पहला चश्मा लगाना, दूसरा लेंस लगाना और तीसरा है सर्जरी। ज़्यादातर लोग पहला और दूसरा तरीका ही अपनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है। प्रेसबायोपिया के जो मरीज़ चश्मा या लेंस लगाते हैं उनके लिए एक आई ड्रॉप यानी आँखों की दवा को मंजूरी मिली है हमारे देश में। ये दवा अक्टूबर से 350 रुपये में मिलने भी लगेगी। दवा का नाम प्रेसवू आई ड्रॉप है। मुंबई स्थित कंपनी एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने इसे बनाया है और अब DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे अपनी फाइनल मंजूरी दे दी है। DCGI से फाइनल मंजूरी यानी दवा के बिकने का रास्ता साफ। वहीं इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि प्रेसवू भारत की पहली ऐसी आई ड्रॉप है जिसे आंखों में डालने के बाद प्रेसबायोपिया के मरीजों को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ये दवा वाकई काम करेगी, ये हमने पूछा डॉक्टर नेहा जैन से। डॉक्टर नेहा बताती हैं कि प्रेसवू आई ड्रॉप का फेज 3 ट्रायल 250 मरीजों पर किया गया। इसके लिए 10 जगहें चुनी गई। देखा गया कि ये आई ड्रॉप 40 से 55 साल के लोगों पर जिन्हें हल्का प्रेसबायोपिया है उन पर सबसे ज़्यादा असरदार रही। इस आई ड्रॉप में एडवांस्ड डायनेमिक बफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जब ये दवा आंखों में डाली जाती है तब ये हमारे आंसुओं के पीएच के हिसाब से ढल जाती है। इससे ये फ़ायदा भी ज़्यादा करती है और आंखों को नुकसान होने का चांस भी कम रहता है। इस आई ड्रॉप को लगातार कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक ड्रॉप का असर 6 घंटों तक रहता है। ख़ास बात यह है कि इसमें 1.25% पाइलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड है। इस कंपाउंड का इस्तेमाल आंखों की कई बीमारियों में किया जाता है, जैसे ग्लूकोमा यानी कि काले मोतियाबिंद में, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में और कभी कभी मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद भी इसका इस्तेमाल होता है। इस कंपाउंड से आंखों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, लेकिन एक चेतावनी भी है। डॉक्टर नेहा कहती हैं कि इस दवा को तभी आँख में डालें जब डॉक्टर कहें। कभी भी अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिनकी आंखों का पर्दा यानी रेटिना कमज़ोर है, अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों में डाला तो उनकी आंखों का पर्दा फट सकता है यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, साथ ही आंखों में जलन, आंसू आना, सिर दर्द और धुंधला देखने की दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए ये ड्रॉप सबके लिए नहीं है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या भूरे अंडे सफ़ेद अंडों से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, एक्सपर्ट से जानते हैं। आपने मार्केट में 2 तरह के अंडे देखे होंगे, एक सफ़ेद रंग के, दूसरे भूरे रंग के। आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि जो भूरे अंडे हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब क्या वाकई ऐसा है, ये हमने पूछा डाइटिशियन कविता शर्मा से। डाइटिशियन कविता कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूरे अंडे सफ़ेद अंडों से ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। दोनों में लगभग समान मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इसलिए दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सेम है, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। जहाँ तक रही बात रंग की, तो किसी अंडे का रंग कैसा होगा ये उसे देने वाली मुर्गी की नस्ल पर निर्भर करता है। मसलन लैगहॉर्न मुर्गी सफ़ेद रंग के अंडे देती है, वहीं प्लायमाउथ रॉक और रोड आइलैंड रेड मुर्गियाँ भूरे रंग के अंडे देती हैं। मज़ेदार बात यह है कि अंडों के सिर्फ यही 2 रंग नहीं होते हैं। एरोकाना, अमेरिकाना और लुशी नस्ल की मुर्गियाँ नीले और नीले हरे रंग के अंडे भी देती हैं। कुल मिलाकर भूरे रंग के अंडे ना तो ज़्यादा हेल्दी हैं और ना ही ज़्यादा नेचुरल। हर अंडा एक जैसा ही है, फ़र्क है तो बस मुर्गी की नस्ल का। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से किसी अंडे में ज़्यादा पोषक तत्व हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मुर्गी है, वो रोज़ काफ़ी देर तक धूप में घूमती है, तो उसके अंडों में विटामिन डी की मात्रा दूसरी मुर्गियों के अंडे के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा होगी। इसी तरह मुर्गियों को क्या खिलाया जा रहा है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर मुर्गी की डाइट अच्छी है, उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ें दी जा रही हैं, तो उसके अंडे में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा, वो भी भरपूर मात्रा में।
यही बात स्वाद के साथ भी है। मुर्गी की नस्ल, अंडे की ताजगी और उसे बनाने का तरीका अंडे के टेस्ट को बदल सकता है। जितने ज़्यादा समय तक आप अंडे को स्टोर करके रखेंगे, उसका स्वाद उतना ही फीका होता जाएगा। अंडा ताज़ा होगा तो आपका स्वाद भी ज़बरदस्त होगा। अब बात आई कि अगर सारे अंडे एक जैसे ही हैं तो भूरे अंडे महंगे क्यों बिकते हैं। डाइटिशियन कविता कहती हैं कि पहले के समय में भूरे अंडे देने वाली मुर्गियाँ भारी होती थीं, उनकी डाइट ज़्यादा होती थी, वो अंडे भी कम देती थी, इसलिए उन्हें बेचने वाले लागत वसूलने के लिए दाम ज़्यादा लेते थे। मगर अब ऐसा नहीं है, चाहे सफ़ेद अंडे देने वाली मुर्गी हो या भूरे अंडे देने वाली, दोनों का खर्च लगभग एक जैसा ही है, लेकिन प्राइस टैग पुराना वाला ही है और इसलिए ये आज भी महंगे मिलते हैं। आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।